बलदेव सिंह जैतो जी MLA ने उन्होंने गलबात करते हैं की कहना चाहते हो कि तुसी किसानां नूं एक मिठी गोली दिती गई है। सुखबीर बादल बयान दिंदा है कि 25 तरीक नूं जिहड़ा चक्का जाम किया जाएगा। मैं सुखबीर साहब बादल जी ने पूछना चाहना है भी मोदी की एजेंटी छड़ के तुसी पंजाब दे किसानां दी गल करो कि पूरे पंजाब के अंदरों पंचायतों में मते पाए जाने चाहिए है, आर्डिनेसा के खिलाफ होने चाहिए तो किसानों के हक के होने चाहिए है। हरसिमरत कौर का बयान फिर है कि असं जे तिने आर्डिनेंस है ये किसान के हक के वक्त पैण से गूंगिया चीक भी आवाज़ बन दया ने, जो जुल्म की अत हो चिड़िया भी आवाज़ बन दया ने। 24 तरीक न आम आदमी पार्टी 117 विधानसभा हल्कों के रोस प्रदर्शन भी करेगी। जदों बरगाड़ी के कट होया तो इन्होंने पटियाले रैली रख ली, तो कैप्टन साहब ने जाके बठिंडे रैली रख ली। अज ये मोदी के एजेंट जिहड़ा ने पंजाब के किसानों के उस संघर्ष में तार पीड़ो करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोगों ने इन्हों परख लिया है, हुण लोगों ने जदों इन्हों का पिंडा में बड़ना जाम कर दिता तो कहते असीं 25 तरीक चक्का जाम करांगे। कि अज बादल जिहड़ा आ नाटकपेशी कर रहा, क्योंकि थल्यों कहिंदा कि मोदी मेरा ताया जफ्फियां पाउंदे उन्हां नूं ते इत्थे आ के चाचा ताया इन्हां नूं बना लैंदे आ, इदां गल नहीं बननी। बादल साहब जे तुसीं पंजाब दे लोकां नाल खड़े हो तो पहले अपना भाजपा नालों गठजोड़ तोड़ो। किसान टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं रवि गिल। जिवें कि 25 तरीक नूं किसान जथेबंदियां वल्लों भारत बंद की कॉल दी गई है, जिहदे विच आम आदमी पार्टी उन्हां दा समर्थन कर रही है, तो इस टाइम जलंधर के आम आदमी पार्टी ऑफिस के खड़े हैं जिथे कि बलदेव सिंह जैतो जी MLA ने उन्होंने गलबात करते हैं। की कहना चाहते हो कि तुसी किसानां नूं एक मिठी गोली दी गई है, ठीक है जी, जिहदा करके कि किसान लोग जो कि देश नूं पूरा चलांदे ने फिर भी यहोजे ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं केंद्र सरकार वालों, काफ़ी टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम पा के इदा के ऑर्डिनेंस पास करते हैं कि जिदे नाल कि पूरा भारत के वख वख जथेबंदियों वालों प्रदर्शन किए जाते हैं। हुण ये जो नवा ऑर्डिनेंस किसानों का पास किया है ये किसानों के विरोध के काफ़ी पूरे पंजाब के वख वख जगह के उत्ते प्रदर्शन बड़े वड्डे पद्धर से किए जा रहे हैं। हुण 25 तरीक नूं बंद है, तुहाडे वल्लों भी समर्थन दिता जा रहा है। जिस तरह तुसीं अज गल कीती किसान जथेबंदियां जिहड़े 25 तरीक नूं कर रहे ने उहदे विच हैरानी इस गल दी होई है कि सुखबीर बादल बयान दिंदा है कि 25 तरीक नूं जिहड़ा चक्का जाम किया जाएगा। मैं सुखबीर साहब बादल जी नूं पुछना चाहुंदा हां भी मोदी दी एजेंटी छड्ड के तुसीं पंजाब दे किसानां दी गल करो, जदों पंजाब दे विच सारियां 31 जथेबंदियां किसान जथेबंदियां इकट्ठियां हो गईआं, उन्होंने कहा कि 25 नूं असीं पूर्ण बंद करांगे, दुकाना भी बंद हो सारे जोड़े वहीकल भी बंद हो गए, चक्का जाम कह किस वास्ते करना चाहता है। दूसरी गल है कि जेकर पंजाब के हितैषी है, पंजाब के किसानों के हितैषी है, मजदूरों के हितैषी है, तो इन्हों उतों जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी नाता तोड़ के पंजाब के आ जाना चाहिए, उत्थे सारी आप अस्तीफा दे के सुखबीर बादल भी अस्तीफा देना चाहिए, तो हरसिमरत कौर बादल भी अस्तीफा देना, जे किसानों के हक च है तो इन्हों अस्तीफा दे के पंजाब आना चाहिए। अगे रही गल कल जो 24 तरीक है, 24 तरीक में साढ़े आम आदमी पार्टी वालों पूरे पंजाब 117 हल्कों के थां थां जरा सा प्रोग्राम की होगा, असी स्लोगन बनाए हो गए, स्लोगन के राही असी सारे लोगों को अपील करांगे, पंजाब के लोगों को चाहे मजदूर है चाहे किसान है आड़ती है, तो उन्होंने अपील करांगे कि 25 नूं जिहड़ा समर्थन देना है किसान जथेबंदियों को, वो बढ़ चढ़ के सारे ने हिस्सा लेना है। तो मैं तुहाडे जरिए अपने पंजाब के जिहड़े मेरे आम आदमी पार्टी के वलंटियर ने जां अहुदेदार ने उन्होंने बेनती करांगा कि 25 तरीक नूं आपां किसान जथेबंदियों दा विच जाके उन्होंने धरने के जाके उन्हां दा समर्थन करना है, उन्होंने नाल बैठना है। और एक बेनती होर मैं करांगा कि तुहाडे राही कि जे सुखबीर बादल कांग्रेस राजा अमरिंदर सिंह जे किसानों का हितैषी है तो अज साढ़े कोल इक्को राह बचा है, इक्को राह बचा, वह राह यह है कि पूरे पंजाब के अंदरों पंचायतों में मते पाए जाने चाहिए है, आर्डिनेसा के खिलाफ होने चाहिए तो किसानों के हक के होने चाहिए है। जो साढ़े 13,000 तो उपर जे सा पिंड ने जिड़ियाँ 16-17,000 जड़िया पंचायतों मते पा देनिया, तो साढ़े कोल एक राह बचने वास्ते यही होगा कि आर्डिनेस वापस हो सकते हैं। की होगा कि जे
राष्ट्रपति भी उदा तो सैन कर दिंदा अपने ते आर्डिनेंसां दे उत्ते पास कर दिंदा बिल पास कर दिंदा ते असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके सारे लोगों का जिहड़ा दर्द दसांगे तां कि जिहड़े आर्डिनेंस वापस हो जाण। पहले अकाली दल वल्लों इस आर्डिनेंस का समर्थन किया जा रहा सी, बाद चो सुखबीर बादल जी दे बयान भी आए कि मैं पढ़िया नहीं सीगा, उहदे बाद चो जिवें ही उन्होंने यू टर्न मारिया उन्होंने पता लगा कि किसान जथेबंदियां विरोध करन लग गईआं, फिर उन्होंने हक दे विच आ गए। हुण तां उन्होंने यह भी कहना है कि असीं समर्थन करांगे इस बंद दे विच। 5 जून तो ला के हुण तक सुखबीर बादल हरसिमरत बादल ये गल कहते कि जे तीन आर्डिनेंस है इन्हों किसानों की जी आमदन दुगनी हो जाएगी, इन्हों आह फायदा होगा, इन्हों आह फायदा होगा। जदों किसान ने इन लंबी वाला घर घेरन की गल की उस दिन की होया, एक किसान ने जहर खाधी उत्थे, और जदों जहर खाधी तो प्रकाश सिंह बादल ने उत्थे हरसिमरत बादल को कहा कि अज सानू इन्हां ने छड़ना नहीं, अज सानू यह साढ़े घर घेरे हुए है तो तुसीं अस्तीफा दिओ। मजबूरी दे विच अस्तीफा दे के वापस आ गए, और दूसरे दिन बयान फिर सी हरसिमरत कौर का बयान फिर है कि असीं जिहड़े तीन आर्डिनेंस है ये किसान दे हक दे विच है। तुहानूं की लगता 2022 दे विच इलैक्शन आ रहे हैं कि लोगों नूं अपना मूँह दिखाने दे लई कि किसान जथेबंदियां लो कई पिंडां दे विच बोर्ड लगा दिते कि अकाली दल ते बीजेपी नूं असीं नहीं बढ़न देवांगे, सिर्फ अपने लोगों के समर्थन इस करके दिता जा रहा। वक्त पैण ते गूंगियां चीकां भी आवाज़ बनदियां ने, वक्त पैण ते गूंगियां चीकां भी आवाज़ बनदियां ने, जदों जुल्म दी अत होवे तां चिड़ियां भी बाज बनदियां ने। अज पिंडां दे विच घेरनगे इन्हां नूं अकाली दल नूं और मोदी नूं घेरनगे, क्योंकि उन्हां लोकां ते अज जबर ढाया जा रहा है, उन्हां दा जिहड़ा काले कानून बना के उन्हां कोल सारा कोई हड़पण दी गल की जा रही है। तां मैं तुहाडे राहीं अपने पंजाब दे लोकां नूं अपने देश दे लोकां नूं अपील करांगा कि साथीओ इकट्ठे हो जाओ, जेकर तुसीं इन्हां ते वार वार विश्वास करते जाओगे, 72 सालों के सानूं लुट्टण ते कुट्टण तों सिवाए कुछ नहीं किया इन्हां ने, तो जे तुसीं फिर विश्वास करोगे तो जिहड़ा तुहाडे कोले पल्ले कुछ हैगा वह भी खत्म हो जाएगा। जदों जी जे इन्ने प्रदर्शन करन दे बाद भी ये ऑडियंस वापस नहीं लिता गया, फिर अगला स्टैप की होगा? अगला स्टैप मैं तुहानूं दस्सा सीगा कि जदों सारियां पंचायतां पूरे पंजाब दियां पूरे हरियाणा दियां पंचायतां सारियां आर्डिनेंसां दे खिलाफ मते पा देणगियां तां साडे कोल इक राह बचेगा कि असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके इन्हां आर्डिनेंसां दे खिलाफ खड़े होवांगे और आर्डिनेंस वापस करनी पैणी। साडे नाल इस टाइम जलंधर दे आम आदमी पार्टी ऑफिस दे विच अगड़शंकर तों MLA जय सिंह रोड़ी जी भी मौजूद हैं, उन्हां नाल गलबात करदे हां। किस मुद्दे नूं लै के तुहाडी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई? अज जलंधर दे विच असी दो जिहड़े साडे मुद्दे ने उहनां नूं लै के स्पैशल बेनती करन आए हां कि 24 तरीक नूं जिहड़ा आ आम आदमी पार्टी 117 विधानसभा हल्कियां दे विच रोस प्रदर्शन भी करेगी और अपने वर्कर साहिबानां नूं और लोकां नूं अपील करेगी कि जदों सारियां जिहड़ियां किसान जुन्नेबंदियां जथेबंदियां इकट्ठियां हो गईआं ने धड़ेबाजी दे उपर उठ के पार्टीबाजी दे उपर उठ के तां इन्हां साडे वर्करां नूं और पंजाब दे लोकां नूं इन्हां जथेबंदियां दा साथ देना चाहिए। और नंबर दो जिहड़ा 25 तरीक नूं जथेबंदियां दा एक धरना प्रदर्शन करन जा रही हैं उहदे विच पंजाब दे किरती लोग मजदूर लोग दुकानदार उन्हां दा साथ देण जा रहे हैं, तां पंजाब दा एक इतिहास तुसीं देखो कि इन्हां बादलकियां दा पिछला इतिहास देख लो, इन्हां ने जहरां पाणी दे विच जहरां भी मिलाईआं। जदों बरगाड़ी दे विच इकट्ठ होया तां इन्हां ने पटियाले रैली रख ली, तां कैप्टन साहब ने जाके बठिंडे रैली रख ली। अज इह मोदी दे एजेंट जिहड़ा ने पंजाब दे किसानां दे उस संघर्ष नूं तार पीड़ो करन दी कोशिश कर रहे हैं, इन्हां ने कोशिश करनी है कि इन्हां संघर्षां नूं मठा किया जाए, इन्हां संघर्षां नूं खत्म किया जाए, क्योंकि बादल साहब एक पासे तुसीं कहिंदे मोदी मेरा ताया आ ते मोदी साहब ने ट्रक भर के जिहड़े नोटां दे भेजणे आ इन्हां दे इन्हां दी बोली आ। अज तुहाडा उही मोदी सानूं बिना पैसे दिते साडे कणक ते चौल जिहड़े आ ट्रक भर के लिजाण नूं फिरदा, और तुसीं कहिंदे सी कि असीं चिट्ठी लिआए आ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਖ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਓ। ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਭਾਵੇਂ BBG ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਲੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, BBG ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ,
इन्हां लोकां नूं पता आ कि अज बादल जिहड़ा आ उह नाटकपेशी कर रहा, क्योंकि थल्लियों कहिंदा कि मोदी मेरा ताया जफ्फियां पाउंदे उहनां नूं ते इत्थे आ के चाचा ताया इहनां नूं बना लैंदे आ, इदां गल नहीं बननी। बादल साहब जे तुसीं पंजाब दे लोकां नाल खड़े हो तां पहलां अपना भाजपा नालों गठजोड़ तोड़ो। हुण तां पिंडां पिंडां दे विच वी बोर्ड लगा दित्ते गए, अकाली दल तां बीजेपी नूं पिंडां दे विच नहीं बढ़न दित्ता जाएगा। 2022 दे विच इलैक्शन है, तुहानूं लगदा है कि उह बैक यूटर्न वी तदी वज्जिया इहनां दा कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਚੀਕ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੀ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਰ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਮੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਮਨਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਣੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਮੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 78772-45655।